नागालैंड को अगले छह महीनों तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार को मानना है कि पूरे नागालैंड में हालात इतने परेशान करने वाले और खतरनाक हैं कि आम जनमानस की मदद और सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल अधिनियम 1958 की धारा 3 में सुरक्षा बलों को जो शक्तियां दी गई हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर चिंता जाहिर की थी। पत्र में उन्होंने कहा था कि आधा दर्जन सशस्त्र गिरोह राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दे रहा है। सशस्त्र गिरोह जबरन वसूली रैकेट चला रहे हैं और लोगों के बीच डर फैला रहे हैं, जबकि राज्य प्रशासन उन पर लगाम लगाने में विफल रहा है। राज्यपाल ने यह पत्र 16 जून को लिखा था। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान जी से। दीपक जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से नागालैंड में इस समय हालात हैं, उस पर जो सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये कोई नया कदम नहीं है। अब ये दोबारा एक्सटेंड किया गया है, हर छह महीने में ये एक्सटेंड किया जाता है। और मेरा कहना ये कि ये एक्सटेंशन करते रहने की बजाय सरकार को चाहिए, जो नागा अंडरग्राउंड लोगों से, जो गुटों से बातचीत हो रही थी, जो 31 अक्टूबर 2019 में संपन्न हो गई है आरएन रवि के मुताबिक, क्योंकि आरएन रवि गवर्नर ही नहीं, वो इंटरलोकूटर भी हैं, सेंटर के अपॉइंटेड हैं, जो नागा अंडरग्राउंड लोगों से बात करते हैं। उनके हिसाब से कि 31 अक्टूबर को उन्होंने शांति वार्ता कंप्लीट कर ली है। अब हर कोई नागालैंड में इंतजार कर रहा है कि नागा सोल्यूशन का परमानेंट एग्रीमेंट करके इसका सोल्यूशन निकाला जाए। ये देखिए, जब तक ये सोल्यूशन एग्रीमेंट साइन, अकॉर्ड साइन नहीं होगा, तब तक ये ऐसी शिकायतें आती रहेंगी। क्योंकि जो अंडरग्राउंड लोग हैं, जैसे आईएम एनएससीएन आईएम जो मेन एक ग्रुप है, उसने अपनी स्टेटमेंट इश्यू करके ये साफ किया है कि हम एक्सटॉर्शन नहीं करते, हम लेजिटिमेट जो टैक्स कलेक्शन है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अंडरग्राउंड सरकार है और उसके तहत ये सब प्रतिक्रिया होती रहती है। जितने भी इंटरलोकूटर रहे हैं वो सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो ये इसका समाधान सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द नागा अकॉर्ड पे साइन किया जाए, ताकि ऐसी शिकायतें और गतिविधियां बंद हों और वहां शांति बहाल हो जाए। जी शुक्रिया दीपक दीवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से ये कदम उठाया गया है कि वहां सशस्त्र बलों की सहायता वहां जरूरी है, वहां उन्हें तैनात किया जाए। और यहां पर दीपक दीवान जी ये कहते हुए कि जल्द से जल्द जो समाधान है उसकी तरफ उसके ऊपर रोशनी डालते हुए कि जल्द से जल्द वहां एकॉर्ड सॉल्यूशन साइन करवा लिया जाए और शांति बहाल की जाए।